अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है हमारे क्लास 10 की बायोलॉजी का दूसरा चैप्टर जिसका नाम है होम्योस्टेसिस। सही है, तो होम्योस्टेसिस को शुरू करने वाले हैं हम। इसमें थोड़ा सा इसके टॉपिक कवर करेंगे इस लेक्चर में, तो चलिए शुरू करते हैं। देखो भाई, होम्योस्टेसिस जो है हमारे पास वो दो लफ्जों का मजमुआ है। एक है होम्यो, जिसका मतलब होता है सेम, और एक निकला एक है स्टेसिस। स्टेसिस का मतलब होता है एक जगह पे लाके रोकना। सही है, तो इसका मतलब हम कुछ इस तरह से लेते हैं कि भाई जब किसी लिविंग बॉडी में कंडीशन इंक्रीज या डिक्रीज होती, यानी जब किसी लिविंग बॉडी में कंडीशन बढ़ती या कम होती है, तो उसको सेम जगह पे लाके रोकना, ये कहलाता है हमारे पास होम्योस्टेसिस। जैसे कि अगर टेम्परेचर बढ़ जाए, अगर हमारे पास टेम्परेचर बढ़ जाए तो हमारे पास होगा क्या, जैसे आप लोगों को पता होगा कि भाई बॉडी का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सी। सही है, अगर इससे बढ़ जाए या इससे कम हो जाए तो ये कंडीशन में उतार चढ़ाव आ गया। सही है, तो उस कंडीशन में उतार चढ़ाव आने के बाद उसको सेम जगह पे लाके रोकना, ये हमारे पास कहलाता है होम्योस्टेसिस। सही है, तो इस तरह से सिर्फ टेम्परेचर ही नहीं, और भी बॉडी में बहुत सारे फंक्शन ऐसे हो रहे होते हैं कि जिसमें उतार चढ़ाव आता रहता है, कंडीशन इंक्रीज या फिर डिक्रीज होती रहती है। बस उसको क्या करते हैं, बॉडी एक सेम जगह पे, एक सेट पॉइंट पे लाकर रोक देता है, उसको हम कहते हैं होम्योस्टेसिस। सही है, तो इसकी अगर डेफिनेशन देखें तो हम लिखते हैं, इट इज अ सेट ऑफ रेगुलेटरी मैकेनिज्म विच मेंटेन इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विद इन सूटेबल लिमिट। सही है, अच्छा यहाँ पर ये जो सूटेबल लिमिट लिखी है ना, इसका मतलब जरा समझ लेते हैं। देखो भाई, अगर हम आपको कहें कि भाई ये मैंने आपको एक पॉइंट लगा दिया, एक तो आप इस पे निशाना लगाओ और एक मैं आपको रेंज दे दूँ यहाँ से यहाँ तक, और कहता हूँ इस रेंज के दरमियान में निशाना लगाओ, ये जो लाइन है ना इसमें, इस लाइन पे कहीं भी निशाना लगाओ, तो आपके लिए निशाना लगाना कहाँ आसान होगा, यहाँ आसान होगा कि यहाँ आसान होगा, तो ऑब्वियस सी बात है इस रेंज में निशाना लगाना आसान होगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि भाई बॉडी जो है बिल्कुल सेट पॉइंट पे लाकर नहीं रोकती, एक रेंज बनाया हुआ है। जैसे कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर का भी रेंज होता है 36 डिग्री सी से 38 डिग्री सी तक। सही है, बिल्कुल 37 डिग्री सी, एग्जैक्ट 37 डिग्री सी पे बॉडी का टेम्परेचर लाना मुश्किल होता है। सही है, तो इसीलिए बॉडी क्या करती है, इस रेंज में लेकर आती है। तो हर चीज जब रेंज में होती है तो वो आसान हो जाती है, लेकिन एक फिक्स पॉइंट पर लाना बहुत मुश्किल होता है। सही है, तो होम्योस्टेसिस में भी होता क्या है कि भाई बॉडी जो है वो अंदर की एनवायरमेंट को, यानी यहाँ पर लिखा हुआ है इंटरनल एनवायरमेंट को, ऑर्गेनिज्म के इंटरनल एनवायरमेंट को सूटेबल लिमिट में लाकर रोकती है। सही है, क्या है भाई, होम्योस्टेसिस एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म है। रेगुलेटरी मैकेनिज्म क्या होता है कि भाई एक ऐसा मैकेनिज्म जो कि अगर कोई चीज बढ़ गई है तो उसको कम करे, और अगर कम हो गई तो उसको बढ़ा दे। सही है, तो ये रेगुलेटरी मैकेनिज्म है। तो एक ऐसा रेगुलेटरी मैकेनिज्म, और रेगुलेटरी मैकेनिज्म का सेट है यहाँ पर, क्या है, सेट है, कोई एक ऐसा खास एक मैकेनिज्म के बारे में बात नहीं की जा रही, एक पूरे सेट के बारे में बात की जा रही है। सही है, यानी एक सिर्फ टेम्परेचर के बारे में बात की जा रही हो, इसमें और भी बहुत सारी बातें, इसीलिए यहाँ पर सेट का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है कि भाई बहुत सारे मैकेनिज्म है तो उसका एक मजमुआ है। सही है, तो मजमुआ के लिए इसको सेट का लफ्ज दिया गया। सही है, अगर सिर्फ कोई एक मैकेनिज्म होता तो यहाँ पर सेट का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया जाता। सेट किस चीज का बनता है, जब बहुत सारी चीजें होती है, तो सेट होता है रेगुलेटरी मैकेनिज्म का, जिसमें अंदर के एनवायरनमेंट को, इंटरनल एनवायरनमेंट को बाहर के एनवायरनमेंट के लिहाज से मेंटेन किया जाता है। सही है, और सूटेबल लिमिट में लाकर रखा जाता है, सूटेबल लिमिट में लाकर रखा जाता है। सही है, तो ये है होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन और मतलब। अब जरा हम देख लेते हैं कि भाई होम्योस्टेसिस जो होती है उसमें होता क्या है। तो होम्योस्टेसिस होती है फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू। फीडबैक होता क्या है कि भाई फीडबैक होता है राय देना, क्या करना, राय देना। फीडबैक का मतलब क्या होता है भाई, राय देना। जैसे मान लो आपके स्कूल में कोई नया टीचर आता है तो उसका डेमो क्लास होता है पहले, तो डेमो क्लास होने के बाद फिर आप क्या करते हो, जो स्कूल का प्रिंसिपल होता है उसके बताते हो कि भाई ये टीचर ऐसा है, ये टीचर वैसा है,
तो आप उस टीचर के बारे में क्या देते हो, राय देते हो, यानी आप उस टीचर के बारे में फीडबैक देते हो। सही, तो अगर वो टीचर ने अच्छा पढ़ाया तो आप उसके बारे में अच्छा फीडबैक दोगे, टीचर ने सही नहीं पढ़ाया तो आप उसके बारे में सही फीडबैक नहीं दोगे। तो मतलब राय देना जो होता है ना, वो हमारे पास होता है फीडबैक। तो लिविंग बॉडी में फीडबैक किस तरह से होता है, देखो भाई, कंडीशन का डिक्रीज या कंडीशन जब इंक्रीज हो जाती है, जैसे टेम्परेचर से ही समझ लेते हैं, मान लो टेम्परेचर या तो बढ़ गया या कम हो गया, टेम्परेचर या तो बढ़ गया या कम हो गया, तो उसको डिटेक्ट करते हैं रिसेप्टर सेल्स। कौन से सेल्स? रिसेप्टर सेल। रिसेप्टर सेल ऐसे सेल है जो कि किसी चेंज को, जब किसी बॉडी में कोई चेंज आ जाए, कोई उतार चढ़ाव आ जाए, तो उसको शनाख्त, उसकी शनाख्त करना या उसको डिटेक्ट करना कौन करता है? रिसेप्टर करता है। सही है, तो रिसेप्टर अलग अलग तरह के रिसेप्टर होते हैं, जैसे टेम्परेचर के लिए अलग रिसेप्टर होते हैं, बाकी चीजों के लिए अलग रिसेप्टर होता है। सही है, जैसे हम, मैंने अभी आपको मिसाल दी ना कि टीचर आया और टीचर को ऑब्जर्व किसने किया? आप लोगों ने किया, तो उस टीचर के लिए आप लोग रिसेप्टर हो गए। तो इसीलिए इसी तरह से बॉडी में भी कुछ रिसेप्टर सेल होते हैं जो कि कंडीशन के इंक्रीज और डिक्रीज होने को क्या करते हैं? डिटेक्ट करते हैं। सही है, फिर वो रिसेप्टर जाता है कहां? कंट्रोल सेंटर के पास। जैसे आप गए प्रिंसिपल के पास, वैसे यहां पर रिसेप्टर कहां जाता है? कंट्रोल सेंटर के पास। कंट्रोल सेंटर को बताता है कि भाई यहां पर कंडीशन में कुछ चेंज आया है, कुछ चेंज आया है। जैसे मान लो गर्मी हो गई है और आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया है, तो रिसेप्टर ने उसको क्या किया? डिटेक्ट किया। रिसेप्टर ने क्या किया? डिटेक्ट किया। डिटेक्ट करने के बाद उसने भेजा कंट्रोल सेंटर। कंट्रोल सेंटर हमारे पास होता है लिविंग बॉडी में ब्रेन। सही है, ब्रेन जो होता है वो हमारा कंट्रोल सेंटर होता है। सही है, तो ब्रेन के पास ये रिसेप्टर सेल जाकर मैसेज पहुंचाते हैं कि भाई टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, अब इसको कम करना है। तो ब्रेन क्या करता है, इसके करेक्टिव मैकेनिज्म के पास ये मैसेज पहुंचाता है कि भाई जो टेम्परेचर को रेगुलेट करता है ना, तो कंट्रोल सेंटर उसके पास क्या करता है? मैसेज पहुंचाता है कि भाई टेम्परेचर बढ़ गया, जाओ तुम इस टेम्परेचर को कम करो। तो टेम्परेचर करेगा क्या, जैसे गर्मियों में अमूमन क्या होता है, पसीना निकलने लग जाता है, तो पसीना क्या कर रहा होता है कि भाई बॉडी के टेम्परेचर को कम कर रहा होता है। तो ये करेक्टिव मैकेनिज्म क्या कर रहा होता है, जैसे मान लो टेम्परेचर बढ़ गया तो करेक्टिव मैकेनिज्म क्या करेगा, पसीना निकालेगा। सही है, स्वेटिंग होगी आपको। सही है, तो इस सिस्टम में आपके पास जो करेक्टिव मैकेनिज्म होगा, वो स्वेट निकालने वाला जो मैकेनिज्म होगा, वो आपका करेक्टिव मैकेनिज्म होगा। सही है, स्वेट ग्लैंड्स जिसको हम कहते हैं। तो कंट्रोल सेंटर स्वेट ग्लैंड्स के पास मैसेज पहुंचाया, तो स्वेट ग्लैंड ने क्या किया, स्वेट सिक्रीट किया यानी पसीना निकाला, तो उससे क्या हुआ, कंडीशन वापस नॉर्मल पे आ जाएगी। सही है, कंडीशन वापस क्या आ जाएगी, नॉर्मल पे आ जाएगी। तो दोबारा से देखो कि भाई कंडीशन डिक्रीज या इंक्रीज होती है तो उसको रिसेप्टर डिटेक्ट करते हैं, रिसेप्टर पर कंट्रोल सेंटर को पहुंचाते हैं, कंट्रोल सेंटर पर देखते हैं कि भाई चेंज क्या आया है, तो उसके लिहाज से उस जो इस चेंज को सही कर सकता है उसके पास जाके ये मैसेज पहुंचाता है, और वो कहलाता है करेक्टिव मैकेनिज्म। तो करेक्टिव मैकेनिज्म फिर क्या करता है, उस कंडीशन को बैक कर देता है नॉर्मल पे। सही है, अगर वो कंडीशन बढ़ गई है तो उसको कम कर देगा, डिक्रीज कर देगा, और अगर वो कंडीशन कम हो गई है तो वो उसको बढ़ा के इंक्रीज करके नॉर्मल पे ला देगा। सही है, नॉर्मल या फिर सेट पॉइंट पे लेकर आता है, फिर उसके बाद फिर अगर कंडीशन डिक्रीज होती है तो इस तरह से ये साइकिल चलता रहता है। इसी को हम कहते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। सही है, अच्छा भाई, तो अगला जो है हमारे पास वो है एस्पेक्ट्स ऑफ होम्योस्टेसिस। वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन यहाँ पर तीन डिस्कस किए गए हैं। एक है हमारे पास ऑस्मो रेगुलेशन, एक है थर्मो रेगुलेशन, एक है एक्सक्रीशन, जो कि इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। ऑस्मो रेगुलेशन, देखो भाई, ऑस्मो रेगुलेशन ऑस्मोसिस से निकला हुआ है। ऑस्मोसिस, अगर आप लोगों ने देखा हो, ऑस्मोसिस पढ़ा हो, तो ऑस्मोसिस में होता है क्या है कि भाई जो पानी होता है वो हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ जाता है, हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ जाता है। अच्छा भाई, तो या फिर हम उसको इस तरह से कहते हैं कि भाई जहां पर सॉल्ट की कंसेंट्रेशन लोअर होती है, लोअर कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट से हायर कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट की तरफ वाटर मूव करता है। सही है, हायर कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट की तरफ वाटर मूव करता है। सही है, तो ये होता है हमारे पास ऑस्मोसिस।
तो बेसिकली बात यह हो रही है कि भाई ऑस्मोसिस में बात क्या की जा रही है कि भाई पानी और नमक के बारे में बात की जा रही है, वाटर और सॉल्ट के बारे में बात की जा रही होती है। तो ऑस्मोसिस क्या होता है कि भाई वाटर और सॉल्ट की मूवमेंट को बताता है। तो यहां पर हम यही लिखते हैं कि भाई इट इज द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल वाटर एंड सॉल्ट कंडीशन बाय ऑस्मोसिस। इट इज द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल वाटर एंड सॉल्ट कंडीशन बाय ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के थ्रू ये क्या कर रहा होता है, वाटर और सॉल्ट की कंसेंट्रेशन को मेंटेन कर रहा होता है, सही है। अच्छा, ये भी हम आगे मजीद डिटेल से देखेंगे कि भाई ऑस्मोरेगुलेशन प्लांट में कैसे होती है, एनिमल में कैसे होती है, सही है। तो बेसिकली क्या है कि भाई वाटर और सॉल्ट की कंसंट्रेशन को मेंटेन करना, ये हमारे पास कहलाता है ऑस्मोरेगुलेशन। अच्छा भाई थर्मोरेगुलेशन, भाई थर्मोरेगुलेशन यानी थर्म से निकला है, थर्म मीन्स टेम्परेचर, टेम्परेचर को रेगुलेट करना। अगर टेम्परेचर बढ़ गया या कम हो गया तो उसको मेंटेन करना विद इन सूटेबल लिमिट, जहां पर एंजाइम वर्क करते हैं। अच्छा, एंजाइम का चैप्टर आप लोगों ने पिछले 9 क्लास में पढ़ा होगा कि भाई एंजाइम एक खास टेम्परेचर पे काम करते हैं, सही है। तो अगर उस टेम्परेचर से टेम्परेचर बढ़ जाए या कम हो जाए तो एंजाइम डिनेचर हो जाते हैं, काम करना छोड़ देते हैं। तो इट इज द मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर विद इन सूटेबल लिमिट्स वेयर एंजाइम कैन वर्क ऑप्टिममली, यानी अच्छे से काम कर सके जहां पे एंजाइम तो उस टेम्परेचर में लाकर रोकता है। एक्सक्रीशन, इट इज द सिक्रीशन ऑफ मेटाबॉलिक टॉक्सिक वेस्ट दैट इज अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, गम्स, लेटेक्स एटसेट्रा। यानी इसमें टॉक्सिक वेस्ट यानी जो खतरनाक होते हैं, हो सकते हैं बॉडी के लिए, उन वेस्ट को बॉडी से बाहर निकाला जाता है, सही है। तो उसको हम एक्सक्रीशन कहते हैं। ये सारे उसके एग्जांपल लिखे हुए हैं, जैसे अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड ये एनिमल में प्रोड्यूस होते हैं, गम्स, लेटेक्स ये प्लांट में प्रोड्यूस होते हैं। तो ये हम अभी आगे जाके डिस्कस करेंगे, सही है। अच्छा भाई, एक टॉपिक है बुक में रेगुलेशन ऑफ CO2 बाय प्लांट्स, सही है कि भाई प्लांट जो है कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे रेगुलेट करते हैं, सही। तो बुक में इसको मेरे ख्याल से एक्सक्रीशन और स्टोरेज वाला हेडिंग दिया, तो मैंने इसको रेगुलेशन का हेडिंग दे दिया, कोई मसला नहीं है। तो देखो भाई, एक तो दिन के टाइम होता है प्लांट के लिए और एक होता है रात का टाइम। जैसे कि पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि भाई प्लांट रेस्पिरेशन भी कर रहा होता है और फोटोसिंथेसिस भी कर रहा होता है। हमने क्या देखा था कि भाई प्लांट जो है रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस कर, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड देता है और फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, सही है। तो दिन में होता है। अच्छा, और हमने ये भी देखा है कि भाई रेस्पिरेशन जो होता है वो दिन और रात दोनों में होता है, और फोटोसिंथेसिस क्या होता है, सिर्फ दिन में होता है, जब सूरज की रोशनी मिलती है तब सिर्फ फोटोसिंथेसिस होता है। तो देखो भाई, दिन का टाइम हो रहा है क्या होता है कि भाई एट डे टाइम द CO2 प्रोड्यूस्ड इन रेस्पिरेशन यूटिलाइज्ड इन फोटोसिंथेसिस। जो रेस्पिरेशन मैंने अभी आपको बोला, प्लांट रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस दोनों कर रहा होता है, रेस्पिरेशन में CO2 बन रहा होता है और फोटोसिंथेसिस में CO2 इस्तेमाल हो रहा होता है, सही है। तो जो CO2 दिन के टाइम प्लांट बना रहा होता है वो किस में इस्तेमाल हो रहा होता है, फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल हो रहा होता है। जो CO2 प्लांट बनाता है वो किस में इस्तेमाल करता है, फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल करता है। लेकिन जब फोटोसिंथेसिस का रेट हायर हो जाए, यानी फोटोसिंथेसिस की स्पीड ज्यादा हो जाए, जब सूरज की रोशनी ज्यादा हो जाए, सही है, तो उस टाइम पे होता क्या है कि भाई प्लांट को ज्यादा ज्यादा CO2 चाहिए होता है, ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है। यानी जब प्लांट के फोटोसिंथेसिस की स्पीड रेस्पिरेशन से ज्यादा हो जाए, यानी मतलब ये है कि अब प्लांट को फोटोसिंथेसिस के लिए जितनी कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए वो फोटोसिंथेसिस से नहीं, रेस्पिरेशन से नहीं मिल रही। प्लांट को फोटोसिंथेसिस के लिए जितनी कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए वो रेस्पिरेशन से मुकम्मल नहीं हो रही। तो फिर प्लांट क्या करता है, एनवायरनमेंट से, बाहर एयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेना शुरू कर देता है और ज्यादा ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज करना शुरू कर देता है, सही है। तो रेस्पिरेशन में होता क्या है कि भाई फोटोसिंथेसिस में होता क्या है कि भाई ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है, सही है। तो ज्यादा ज्यादा ऑक्सीजन बाहर छोड़ता है और ज्यादा ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेता है, सही है। तो ये अगर आप देख सकते हैं कि भाई ये जो ऊपर वाला पॉइंट लिखा है कि भाई जो रेस्पिरेशन में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है
वो फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल हो जाती है। तो उस टाइम पे होता क्या है कि भाई रेस्पायरेशन और फोटोसिंथेसिस का रेट सेम होता है, यानी जितनी रेस्पायरेशन हो रही है उतना ही फोटोसिंथेसिस हो रहा है। तो इसीलिए इसको फिर बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड लेने की जरूरत नहीं होती, और इस पॉइंट को हम कहते हैं कंपनसेशन पॉइंट। लेकिन फिर जब सूरज और ज्यादा निकल जाता है तो फोटोसिंथेसिस की स्पीड बढ़ जाती है, तो अब ये रेस्पायरेशन उस काबिल नहीं होता कि भाई इसकी कार्बन डाइऑक्साइड की नीड को पूरा कर सके। तो फिर होता क्या है कि भाई बाहर से ज्यादा ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड लिया जाता है, और जब जितना कार्बन डाइऑक्साइड लेगा उतना ही ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा, तो ऑक्सीजन भी ज्यादा हो जाता है, मतलब फोटोसिंथेसिस का स्पीड जितनी ज्यादा होगी तो उतना ही ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेगा और उतना ही ज्यादा ऑक्सीजन बाहर भी छोड़ेगा। सही है, सिर्फ ये नहीं है कि कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, फोटोसिंथेसिस की स्पीड ज्यादा होने की वजह से ऑक्सीजन भी ज्यादा प्रोड्यूस होगा, और जब ज्यादा प्रोड्यूस होगा तो कुछ ऑक्सीजन को बाहर भी छोड़ेगा। किसके थ्रू? स्टोमेटा के थ्रू। किसके थ्रू भाई? स्टोमेटा के थ्रू। अच्छा भाई, रात के वक्त क्या हो रहा होता है कि भाई एट नाइट प्लांट परफॉर्म ओनली रेस्पायरेशन एंड ओनली CO2 इज प्रोड्यूस विच इज रिमूव्ड बाय डिफ्यूजन थ्रू बॉडी सरफेस और स्टोमेटा। सही है, तो होता है क्या है कि भाई रात में प्लांट में सिर्फ रेस्पायरेशन हो रही होती क्योंकि सूरज की रोशनी नहीं होती, तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए? लाइट एनर्जी चाहिए। तो लाइट एनर्जी नहीं है तो सिर्फ रेस्पायरेशन होगी, तो रेस्पायरेशन होगी तो CO2 ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस होगा, तो वो क्या करता है कि भाई CO2 को रिमूव करता है थ्रू डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है कि भाई हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ जाना। तो अब प्लांट में CO2 की कंसेंट्रेशन ज्यादा हो रही है क्योंकि ज्यादा ज्यादा रेस्पायरेशन हो रही है, तो वो बॉडी से, प्लांट बॉडी से इसको बाहर कर देते हैं या स्टोमेटा के जरिए, और जहां जहां स्टोमेटा नहीं मौजूद होता वहां वहां बॉडी सरफेस के थ्रू उसको बाहर भेज देता है। यानी जैसे ग्रीन पार्ट्स में स्टोमेटा होता है तो वहां से तो स्टोमेटा के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चला जाता है, लेकिन जहां पर स्टोमेटा नहीं होता नॉन ग्रीन पार्ट्स वहां पर बॉडी सरफेस के थ्रू ये डिफ्यूजन हो रही होती है। सही है, तो चलिए आप जरा आगे देखते हैं। अच्छा भाई, तो अगला जो टॉपिक है हमारे पास वो है रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर यानी ट्रांसपायरेशन। देखो ये जितने भी टॉपिक है ये प्लांट के एक्सक्रीशन के बारे में, जो हमने अभी CO2 के बारे में डिस्कस किया, अभी ये वाटर के बारे में, इसका सेकेंडरी प्रोडक्ट के बारे में देखेंगे, तो ये सारी प्लांट की एक्सक्रीशन है। सही, फिर प्लांट की ऑस्मोरेगुलेशन अलग से है वो भी देखेंगे। अच्छा भाई, तो प्लांट जो है वो वाटर को दो तरह से एक्सक्रीट आउट करता है, रिमूव करता है, एक है ट्रांसपायरेशन एक है गटेशन। तो ट्रांसपायरेशन जो है वो दिन के टाइम में और होता है, गटेशन रात के टाइम में और होता है। तो अच्छा, अब जरा इनको समझते हैं। तो ट्रांसपायरेशन जो होता है, जरा देखें कि इसमें वाटर जो है वो वेपर फॉर्म में निकल रहा होता है, वेपर फॉर्म में निकल रहा होता है, और जिन पोर्स के थ्रू निकल रहा होता है उसको हम कहते हैं स्टोमेटा। यहां पर वाटर लिक्विड की फॉर्म में निकल रहा होता है, और कहां से निकल रहा होता है? मार्जिन ऑफ लीव्स थ्रू स्पेशल पोर कॉल्ड हाइड्रोथोर्स। जरा इनको समझते हैं थोड़ा डीपली। देखो भाई, ये पत्ता है, सही है, पत्ते के ऊपर जो स्टोमेटा मौजूद होते हैं, इस तरह से स्टोमेटा, स्टोमेटा के पोर्स, उनमें से जो पानी निकल रहा होता है वो वेपर फॉर्म में निकल रहा होता है। और वाटर का वेपर फॉर्म का मतलब क्या है? वाटर अगर वेपर फॉर्म में आ जाए तो मतलब वाटर लिक्विड से गैस की शक्ल में आ गया। किसकी शक्ल में आ गया? गैस की शक्ल में आ गया। वाटर लिक्विड से गैस की शक्ल में आ गया है तो उसको हम कहते हैं वेपर फॉर्म। सही है, तो स्टोमेटा से पानी वेपर फॉर्म में निकल रहा होता है, लेकिन जो मार्जिन ऑफ लीव्स होती है, यानी इस तरह से अगर आप लोगों ने पत्ते को देखा हो तो इस पे इस तरह से लकीरें होती है, ये कहलाती है इसकी मार्जिन्स, ये लाइनें कहलाती है मार्जिन्स। तो मार्जिन्स की ये जो टिप होती है, यहां पर कुछ पोर होते हैं, इनको हम कहते हैं हाइड्रोथोर्स। पोर यानी सुराख होते हैं, हाइड्रोथोर, जहां से पानी लिक्विड की शक्ल में निकल रहा होता है, कतरे कतरे से टपक रहा होता है, कतरे कतरा टपक रहा होता है पानी यहां हाइड्रोथोर्स से। अब वेपर शक्ल में यहां से क्यों निकल रहा होता है, यहां पर लिक्विड शक्ल में क्यों निकल रहा होता है? ये नाइट में हो रहा होता है, ये दिन में हो रहा होता है। देखो भाई,
हमारे पास एक होता है फोटोसिंथेसिस, एक होता है रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस में होता क्या है, कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर सनलाइट की मौजूदगी में C6H12O6 खुराक बनाता है प्लस ऑक्सीजन बनाता है, सही है। रेस्पिरेशन में हो क्या हो रहा होता है कि भाई रेस्पिरेशन में हो रहा होता है यही खुराक टूट के C6H12O6 ऑक्सीजन की मौजूदगी में टूट के कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना रहा होता है। फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है दिन के टाइम में, डे टाइम, और ये डे और नाइट दोनों टाइम होता है, डे और नाइट दोनों टाइम में हो रहा होता है। अब देखो भाई, जब ये डे और नाइट दोनों टाइम में हो रहा था, फिलहाल सिर्फ डे की बात करते हैं, तो दिन में यहां से जो पानी बन रहा है, रेस्पिरेशन से जो पानी मिल रहा है, वो कुछ फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल हो रहा है। रेस्पिरेशन से जो पानी निकल रहा है, दिन की बात कर रहे सिर्फ, वो किस में इस्तेमाल हो रहा है, फोटोसिंथेसिस में, सही है। तो मतलब पानी ज्यादा जो है एक्स्ट्रा नहीं है, एक्स्ट्रा पानी है लेकिन बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं है, तो इसीलिए इसको लिक्विड फॉर्म में नहीं निकाला जाता, इसको वेपर की फॉर्म में थोड़ा थोड़ा करके निकाला जाता है। अगर लिक्विड की फॉर्म में निकालते तो पानी की कमी हो जाए प्लांट के साथ पास, सही है। तो क्योंकि इसको फोटोसिंथेसिस भी करवानी होती है दिन के टाइम में, और फोटोसिंथेसिस में पानी चाहिए होता है, इसीलिए दिन के टाइम में वेपर की शक्ल में निकाल होता है। रात की बात करें तो रात के टाइम में फोटोसिंथेसिस हो ही नहीं रहा होता, तो जो रेस्पिरेशन हो रही होती है उसमें सिर्फ पानी ही पानी बन रहा होता है, सिर्फ पानी ही पानी बन रहा होता है, और पानी इतना ज्यादा होता है कि उसको फिर प्लांट मजबूरन क्या कर रहा होता है, लिक्विड की शक्ल में निकाल रहा होता है कि भाई ज्यादा से ज्यादा पानी क्या हो, बाहर निकले, ज्यादा से ज्यादा पानी क्या हो, बाहर निकले, ताकि अंदर पानी का बैलेंस मेंटेन हो जाए। तो ये बात है, सही है। तो ट्रांसपायरेशन और गटेशन का फर्क समझ आ ही गया होगा कि इसमें वेपर फॉर्म में पानी निकल रहा होता है और स्टोमेटा के थ्रू निकल रहा होता है, दिन के टाइम में ये हो रहा होता है। गटेशन में क्या हो रहा होता है, लिक्विड शक्ल में निकल रहा होता है, मार्जिन ऑफ लीव्स पे पोर्स होते हैं जिसको हम कहते हैं हाइड्रोटोट्स, और ये रात के वक्त में होता है। अगले पे आते हैं, रिमूवल ऑफ सेकेंडरी प्रोडक्ट्स। प्लांट में कुछ सेकेंडरी प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि लेटेक्स हो गया, रेजिन हो गया, गम हो गया, या आप लोगों ने देखे हुए भी होंगे, जो लेटेक्स होता है उसको रबर बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, जो प्लांट में से सफेद सफेद सा दूध निकाला, दूध की शक्ल का निकाला जाता है मटीरियल, वो कहलाता है लेटेक्स। और ये रेजिन और गम भी देखे होंगे, वो जो प्लांट के ऊपर शहद सा जो लगा होता है, इसको आप गूगल पर सर्च करेंगे तो नजर भी आ जाएगा, तो प्लांट के ऊपर शहद सा लगा होता है वो कहलाते हैं लेटेक्स, रेजिन, गम जो कहलाते हैं वो है। तो ये जो होते हैं ये प्लांट के सेकेंडरी प्रोडक्ट्स होते हैं, ये एक तो इनसोल्यूबल होते हैं और दूसरा हार्मलेस, इतना मतलब हार्मफुल होते हैं लेकिन ज्यादा हार्मफुल नहीं होते हैं। तो इन कंपाउंड्स को जब ये कंपाउंड्स बहुत ही ज्यादा बन जाते हैं ना प्लांट में, तो इसका जो एक्स्ट्रा अमाउंट होता है, इसका जो एक्स्ट्रा अमाउंट होता है वो लेंटिसल्स के थ्रू इसको बाहर कर दिया जाता है, सही है। और ये स्टेम पे मौजूद होते हैं, लेंटिसल स्टेम पे, सही है। तो प्लांट में कुछ सेकेंडरी प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे लेटेक्स, रेजिन, गम, जो कि इनसोल्यूबल होते हैं, यानी हल नहीं हो सकते पानी में, सही है। तो और हार्मलेस होते हैं, यानी ज्यादा खतरनाक भी नहीं होते, लेकिन जब इसका ज्यादा अमाउंट बन जाता है, जब इसका क्वांटिटी बहुत ज्यादा हो जाती है, तो जो इसका एक्स्ट्रा अमाउंट होता है उसको लेंटिसल्स के थ्रू प्लांट से बाहर निकाल दिया जाता है, सही है। तो आज के लिए अपना यह लेक्चर यहीं तक रखते हैं, फिर अगले लेक्चर में मजीद टॉपिक डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।